मौसीकी बहुत रूहानी है, इसमें लोगों को इकट्ठा करने की ताकत है। कदीम ज़माने से ही इंसानी जज्बात के इजहार के लिए मौसीकी सबसे अहम जरिया रहा है। माजी में कश्मीरी फ़नून लतीफ़े का अहम मरकज था। वक्त की तबाही के वजह से दूर माजी में कश्मीर में गालिब आने वाले मौसीकी के कसम और नुव्वत से मुतल्लिक तमाम तहरीन सबूत ख़त्म हो गए हैं। कश्मीर फ़नून लतीफ़े का एक अजीम मैदान रहा है। यहाँ शायर, रकास, मुसानिफ, ड्रामा निगार और मौसीकीकार रहे हैं, जिन्होंने अदबी और आर्ट की दुनिया में वक़ार हासिल किया है। मौसीकी की दुनिया में कश्मीरी पंडितों ने वक्तन फ़क्तन कश्मीर की मौसीकी को एक जदीद और मुंजम रियासत में लाने में तयन किया है। कश्मीरी पंडित सूफ़ी मौसीकी के सबसे बड़े सरफरस्त थे। कश्मीर में हज़ारों अफराद तसव्वुफ़ की परवई करते हैं, जो अमन, रवादारी और कसरतियत प्रांबी इस्लाम की एक सूफियाना शक्ल है, जिसके परोकर घूमने और मौसीकी के ज़रिए रूहानी मेल तलाश करते हैं। माजी में कश्मीर भर में सूफियाना मौसीकी के बहुत से मुख्तलिफ घराने मौजूद थे। हाल ही में हिंदुस्तानी फ़ौज ने 19वीं सदी के मशहूर रोमानवी शायर रसूल मीर की मीरास को जारी रखने के लिए पहल की और इस मौसीकी मेले का इंतकाद किया, जो जनूबी कश्मीर में 3 दहाइयों के बाद मनाया गया। इस तरह के प्रोग्राम के नतीजे में मौजूदा नस्ल के नौजवानों ने रिवायती कश्मीर मौसीकी को महफूज करने के लिए सीखना और हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। अब कश्मीरी मौसीकी पूरी दुनिया में फैल रहा है, क्योंकि मौसीकी कश्मीरी लोगों की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है।